जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो एनालाइज कर रहे हैं, जो हम शेयर एनालाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिंदल स्टील एंड पावर, ठीक है, और स्विंग ट्रेड के लिए एनालाइज कर रहे हैं एमआईटी की फुल फॉर्म है मंथली इनकम ट्रेड, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं जो ट्रेंड है वो अप है, ऊपर की ओर है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मंथली इज अप, वीकली इज अप, मंथली का ट्रेंड भी अप है और वीकली का ट्रेंड भी अप है, ठीक है। कैन लुक फॉर एमआईटी लॉन्ग ट्रेड, ठीक है, आप मंथली इनकम ट्रेड ले सकते हो, यानी कि लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो। प्राइस इज एट ऑल टाइम हाई, ठीक है, जो प्राइस है वो पूरी तरह से हाई है। तो ऐसे में आप वीकली का भी ट्रेड ले सकते हो और आप मंथली का भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आने वाला जो हफ्ता है, आने वाला जो वीक है उसमें आप इस शेयर में ट्रेड ले सकते हो, और आने वाला जो महीना है उसमें भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये जो ट्रेड है आपका अगले एक महीने तक चलेगा, तो अगले एक महीने तक आप जो है इसमें ट्रेड ले सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। बट ये जो है स्विंग ट्रेड के लिए ही एनालाइज किया है, इंट्राडे वाले भी इसमें कर सकते हैं बट उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ट्रेड लेना, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए बहुत इजी रहेगा। मैं फिर बता रहा हूं जिंदल स्टील एंड पावर, ठीक है। तो एक शेयर हमारा ये वाला हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आज की इस वीडियो में मैं आने वाले जो लेटेस्ट शेयर हैं, जो अपकमिंग शेयर्स हैं, उनको लेकर आपको बताऊंगा, उसमें एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शेयर बढ़ने वाले हैं और कौन कौन से गिरने वाले हैं, किसमें लॉन्ग का ट्रेड लेना है, किसमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है। दोस्तों यहाँ पे दो इंडेक्स भी हैं और एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी है और दो स्टॉक्स भी हैं। तो इन टोटल पांच शेयरों में मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा, आपको बहुत ही फायदा इसमें मिलेगा, इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछिएगा, मैं 24 घंटे में आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला जो शेयर है जिसमें मैंने एनालाइज किया है वो स्विंग ट्रेड के लिए एनालाइज किया है। दोस्तों यहां पे मैं आपको बता देता हूं जिंदल स्टील एंड पावर जो शेयर है वो दोस्तों इसमें जो है ट्रेंड अप चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं ये ट्रेंड जो है अप चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, आज ही मैंने इसको एनालाइज किया है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मंथली इज अप, मंथली ट्रेंड अप है, वीकली इज अप, वीकली का भी ट्रेंड अप है, और यहां पे कैन लुक फॉर एमआईटी लॉन्ग ट्रेड। तो यहां पे आप जो है एमआईटी मतलब कि मंथली इनकम ट्रेड, आप यहां पे मंथली के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो, साथ ही साथ यहां पे आप वीकली के हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हो इस शेयर में जिंदल स्टील एंड पावर में। कैन लुक फॉर एमआईटी लॉन्ग ट्रेड, प्राइस इज एट ऑल हाई टाइम, प्राइस इज एट ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो हमारी हाई है, ऊपर की ओर है, ट्रेंड अप चल रहा है। तो इसमें दोस्तों आप जो है वीकली ट्रेड भी ले सकते हो, मंथली ट्रेड भी ले सकते हो। तो ये स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए मैंने एनालाइज किया है। तो दोस्तों ये आज का हमारा पहला शेयर है जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों हमारा जो सेकंड शेयर होने वाला है वो होने वाला है इंटर ग्लोब एविएशन, ठीक है। दोस्तों स्विंग ट्रेड में मैंने इसको एनालाइज किया है WIT वीकली इनकम ट्रेड, ठीक है। इसमें ये भी आपको स्विंग में ही ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये वीकली अप ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है, वीकली अप ट्रेंड है, डेली भी अप ट्रेंड है। कैन लुक फॉर WIT वीकली इनकम ट्रेड लॉन्ग ट्रेड, ठीक है, प्राइस इज एट ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो इस वाले स्टॉक्स में भी जो प्राइस है वो एकदम हाई चल रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें भी आप लॉन्ग के ट्रेड लोगे, शॉर्ट के ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड वालों के लिए मैंने इसको एनालाइज किया है, सो आप इसमें भी लॉन्ग के ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें आपको वीकली के हिसाब से भी ट्रेड लेना है और डेली के हिसाब से भी ट्रेड लेना है, ठीक है। दोस्तों अभी करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है वो उसकी चल रही है 4374 रुपए, ठीक है। सो ये ऊपर की ओर है तो आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा सेकंड शेयर, अब हम अपने तीसरे स्टॉक पे चलते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसको भी मैंने एनालाइज किया है। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेड होगा हमारा, इसमें हमारा स्विंग ट्रेड नहीं होगा,
इसमें हमारा इंट्राडे ट्रेड होगा, जो लोग मल्टी कमोडिटी जो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए है। सो दोस्तों इसको भी मैंने एनालाइज किया है, आप देख सकते हो मार्केट कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रही है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सप्लाई जोन बनाया है 125 मिनट का, ठीक है, और एक मैंने डिमांड जोन बनाया है 125 मिनट का डिमांड जोन, 125 मिनट के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, 125 मिनट के डिमांड जोन, सॉरी टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस इज रिएक्टिंग फ्रॉम 125 मिनट सप्लाई जोन, जो हमारी प्राइस है वो सप्लाई जोन तक आ चुकी है। सो सप्लाई जोन से हमारी जो प्राइस है वो रिएक्ट कर रही है 125 मिनट के सप्लाई जोन से, तो कैन लुक फॉर हिट शॉर्ट ट्रेड, यहां पे आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो टिल 125 मिनट डिमांड जोन तक, ठीक है। अब ये जो प्राइस है ये यहां से यहां तक आएगी, तो आप यहां से शॉर्ट का ट्रेड लोगे कहां तक, डिमांड जोन तक, क्योंकि दोस्तों सप्लाई जोन इसको पुश इसको धकेलेगा, जब उसको धकेलेगा तो प्राइस को नीचे ही आना है, फिर जब प्राइस नीचे आएगी तो वो डिमांड जोन तक आएगी, तो यहां से लेके आप यहां से यहां तक का शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं जिसमें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, ये हमारा इंट्राडे ट्रेड होगा, ठीक है दोस्तों। सो आप जो है इसमें ट्रेड ले सकते हैं, सक्सेसफुली आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा तीसरा स्टॉक, ठीक है, अब हम अपने चौथे स्टॉक पे चलते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में, ठीक है, अब हम कोई स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स को भी एनालाइज किया है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सप्लाई जोन बनाया है, डेली का सप्लाई जोन आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो ना समझ में आए तो भी लास्ट तक देखना, ठीक है, मैं आपको अपनी बाकी वीडियोज में बता दूंगा कि ये सप्लाई जोन का क्या मतलब होता है, किस तरह से प्राइस रिएक्ट करती है, किस तरह से हमको ट्रेड लेना है। बस अभी आप देख लो, ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना, 24 घंटे में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डेली का सप्लाई जोन मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, एक सप्लाई जोन मैंने 125 मिनट का भी बनाया है, ठीक है, 125 मिनट का 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन बनाया है, और डेली के टाइम फ्रेम पे भी मैंने एक सप्लाई जोन बनाया है, और यहाँ पे मैंने एक 125 मिनट के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बनाया है, और एक मैंने डेली के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बनाया है। आप देख सकते हैं एक जोन हमारा ये है डिमांड जोन, और एक डिमांड जोन हमारा ये है। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो हमारी कुछ इस तरह से आ रही है, आप देख सकते हैं प्राइस इस तरह से आ रही है। अब ये इस तरह से जब आ रही है तो ये आते आते 125 मिनट के सप्लाई जोन तक आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें करना क्या है। दोस्तों जब मॉर्निंग में मार्केट खुलेगी, आप निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर ट्रेड करते हैं मॉर्निंग में जब मार्केट खुलेगी, तो मैं आपको बताता हूं अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 22,502 रुपए, ठीक है। जैसे ही मार्केट खुलेगी, अगर मार्केट के खुलते ही गैप अप हुआ तो ये प्राइस जाएगी डेली के सप्लाई जोन तक, तो इसको ये तोड़ेगी नहीं, ये डेली का सप्लाई जोन इसको वापस पुश कर देगा। अगर ये प्राइस यहां तक पहुंच गई तब आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है, शॉर्ट का ट्रेड लेना है, और ये 125 मिनट के 125 मिनट के टाइम फ्रेम को भी तोड़ेगी, तोड़ते तोड़ते नीचे आएगी 125 मिनट के डिमांड जोन तक, तो यहां से यहां तक का आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। नहीं तो ये प्राइस 125 मिनट के टाइम फ्रेम से, यानी कि 125 मिनट के सप्लाई जोन से रिएक्ट करते हुए नीचे भी आ सकती है, तब भी आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, यहां से भी शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। अगर गैप अप हुआ तो यहां तक जाएगी प्राइस और यहां से फिर रिवर्स करेगी नीचे, तब भी आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, कुछ इस तरह से हमें करना है। और अगर आप इन दोनों ट्रेड को मिस कर देते हो तो पहले प्राइस को नीचे आने देना, ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं, अगर आप इन सबको मिस कर देते हो तो पहले प्राइस को नीचे आने देना, कहां तक, 125 मिनट के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन तक आने देना, ठीक है। इसके हिसाब से आप देख लो प्राइस कहां कहां पे है, आप देख लो कहां कहां पे है प्राइस, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, अगर प्राइस नीचे आई तो यहां से आप लॉन्ग का ट्रेड लोगे 125 मिनट के सप्लाई जोन तक, ठीक है। सो ये है हमारा आज का एनालाइज जो मैंने आपको करके बताया है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, अब जो है मैं आपको निफ्टी बैंक के बारे में बताता हूं। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स,
निफ्टी बैंक इंडेक्स को भी मैंने एनालाइज किया है आज ही, तो मॉर्निंग में जब मार्केट खुलेगी तब आपको किस तरह से ट्रेड लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस हमारी कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन बनाया है, ये हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। फिर मैंने एक 75 मिनट के टाइम फ्रेम का भी सप्लाई जोन बनाया है, फिर मैंने डेली के टाइम फ्रेम का भी एक सप्लाई जोन बनाया है। टोटल मैंने 3 सप्लाई जोन बनाए हैं, एक हमारे यहाँ पे है, एक हमारे यहाँ पे है, इसको हम लेवल ऑन लेवल भी बोलते हैं, जो साथ साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर मैंने 2 डिमांड जोन बनाए हैं, एक हमारा ये वाला डिमांड जोन है जो कि डेली का डिमांड जोन है, एक हमारा ये डिमांड जोन है जो कि 125 मिनट का डिमांड जोन है, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारी प्राइस है वो सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रही है, कहां से कर रही है, सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रही है, मैं दोबारा बता देता हूँ, सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रही है। देखो ये सप्लाई जोन है हमारा, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है, ये वाला डेली का जो डेली का सप्लाई जोन है वहां तक प्राइस आ चुकी है। अब आगे करना क्या है, अब निफ्टी बैंक में आगे करना क्या है, अब देखो प्राइस जो हमारी वो डेली के सप्लाई जोन तक आ चुकी है, अगर गैप अप खुला तो ये डेली के सप्लाई जोन को तोड़ देगा, 75 मिनट के सप्लाई जोन तक जाएगा, इसको भी तोड़ सकता है, इसको तोड़ेगा तो 125 मिनट के सप्लाई जोन तक ये प्राइस जाएगी, बट इसको नहीं तोड़ेगी, इसको नहीं तोड़ सकती क्योंकि इतना लंबा मतलब इतना ज्यादा ऊपर मूव नहीं कर सकती प्राइस, ठीक है, क्योंकि ठीक है। अब यहां पे जब ये प्राइस यहां से यहां तक आएगी तो यहां से आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है, 125 मिनट के सप्लाई जोन से शॉर्ट का ट्रेड लेना है नीचे की ओर, ठीक है। अब प्राइस देख लो यहां पे कि कहां कहां तक प्राइस आ सकती है, तो जब आपको यहां से शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो शॉर्ट का ट्रेड आप कहां तक ले सकते हैं, 125 मिनट के डिमांड जोन तक ले सकते हैं। अगर 125 मिनट के डिमांड जोन को तोड़ दिया तो डेली के डिमांड जोन तक भी आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, कि लंबा मूव कैच कर सकते हैं, लंबा मूव, ठीक है। मैं आपको दोबारा से क्लियर करके दिखा देता हूं यहां पे। इसके अलावा दोस्तों अगर प्राइस रिवर्स कर गई, अगर गैप डाउन खुला तब भी आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है, गैप अप खुला तो प्राइस को यहां तक आने देना, तब भी आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है। अगर प्राइस नीचे आ गई तो 125 मिनट के डिमांड जोन तक ही आएगी, फिर यहां से आप लॉन्ग का ट्रेड लेना। अगर इसने इसको तोड़ दिया तो डेली के डिमांड जोन तक ही आएगी, इससे नीचे जा नहीं सकती, इसीलिए जोन हम बनाते हैं कि प्राइस कहां तक जा सकती है, प्राइस कहां तक ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए हम ये जोन बनाते हैं ताकि हमको पता चल जाए, ठीक है। तो डेली के डिमांड जोन को प्राइस नहीं तोड़ सकती, यहां तक आएगी तो यहां से भी हमें लॉन्ग का ही ट्रेड लेना है, ठीक है। वीडियो ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। फिलहाल वीडियो को पूरा देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम प्राइस को एनालाइज करते हैं, इस तरह से हम शेयर्स को एनालाइज करते हैं, इंडेक्स को एनालाइज करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे के लिए हम सक्सेसफुली ट्रेड को निकाल सकें। तो दोस्तों ये थे वो 5 शेयर जिसको एनालाइज करके मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करना, 24 घंटे में मैं आपका रिप्लाई दूंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर मार्केट की लेटेस्ट जानकारी और न्यूज लाता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में सिखाता हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।